और आपको बताएं कि अरब लीग ने भी अमेरिकी सदर ट्रंप मशरक वस्ता अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया है और उसको फलस्तीनियों के लिए यकसर गैर मुनसिफाना करार दे दिया है, जबकि फलस्तीन ने अमेरिका और इसराइल से राबते खत्म करने का ऐलान कर दिया। अरब लीग के वज़राए खारजा ने काहिरा में मुनक़िदा हंगामी इजलास में अमरीकी सदर के पेशकर्दा अमन मनसूबे पर गौर करने के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें अमरीका और इसराइल की सदी की डील को मुस्तरद करते हुए कहा गया कि ये मनसूबा फलस्तीनी आवाम के कम से कम हकूक और उमंगों को पूरा नहीं करता। इस मौके पर अरब लीडरों ने इस मनसूबे पर अमल दरामद के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ तआवुन ना करने का भी ऐलान किया। काहिरा में अरब लीग के इजलास से खिताब करते हुए फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, हम वाजे करना चाहते हैं कि फलस्तीन इसराइल और अमेरिका के साथ सिक्योरिटी तआवुन समेत किसी किस्म के रवाबित नहीं रखेगा। इसके अलावा इसराइल के साथ आइंदा किसी भी मुज़ाकरात में अमेरिका का बतौर सालिस किरदार कबूल नहीं किया जाएगा और फलस्तीनी अपने मौकिफ की वजाहत के लिए सिक्योरिटी काउंसिल समेत दीगर आलमी इदारों से रजू करेंगे। महमूद अब्बास ने दो टोक मौकिफ अपनाते हुए कहा कि यरूशलम सिर्फ फलस्तीनियों ही नहीं तमाम अरबों का है। मैं इस हल को कभी कबूल नहीं करूंगा क्योंकि मैं तारीख में नहीं लिखवाना चाहता कि मैंने बैतुल मुकद्दस को फरोख्त कर दिया। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने भी इजलास में इस अजम का इरादा किया है कि सऊदी अरब फलस्तीनी आवाम और उनके मुनसिफाना नस्बुल ऐन की हिमायत जारी रखेगा। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू अलगैज का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमन मंसूबा इसराइल फलस्तीन तनाजे के बारे में अमेरिका के दरीना मौकिफ से इन्हिराफ का अक्कास है। इस तब्दीली से अमन और तनाजे के मुनसिफाना हल के हुसूल में कोई मदद नहीं मिलेगी।